हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो DRDO सेप्टम 09 का एग्ज़ाम हो, NPCIL का हो, BRC का एग्ज़ाम हो, NTPC का जो एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर SSC का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम लीजिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। और ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर आप उन्हें देखिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो 36 नेशनल गेम है वो कौन सी इंडिया के स्टेट में होगा। तो थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो नेशनल गेम है वो कौन से कितने साल में जनरली मनाया जाता है। जो नेशनल गेम है आपका जनरली 2 साल में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 2 साल में जो है, हर 2 साल में जो है नेशनल गेम्स होते हैं। मान लीजिए अगर कोई बड़े गेम आ गए, जैसे ओलंपिक गेम या फिर कॉमनवेल्थ गेम या फिर एशियन गेम्स, तो उस समय क्या होता है कि 2 साल ना होके डेट जो है इसकी एक्सटेंड कर दी जाती है। तो लेकिन जनरली जो है 2 साल के बाद ही जो है, हर 2 साल के बाद ही जो है नेशनल गेम्स होते हैं। तो यहाँ पे 36 नेशनल गेम के बारे में पूछा गया, तो कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा। ये जो ऑर्गेनाइज होगा आपका गोवा में होगा, गोवा की कैपिटल पणजी। तो गोवा की कैपिटल भी ध्यान रखिएगा, पणजी जो है कैपिटल है। तो यहाँ पर जो है आपका 36 नेशनल गेम होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम के विनर हैं उनको कैश प्राइज कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है अनाउंस किया है कैश प्राइज उन्हें देने की। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 2018 का कॉमनवेल्थ गेम था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका गोल्ड कोस्ट में जो है आपका 2018 का कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज हुआ था। अब जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये कैश प्राइज देने के लिए ये दिया है। तो ये जो है आपकी महाराष्ट्र सरकार ने जो है कैश प्राइज देने की घोषणा की है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम विनर की। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होगा वो आपका इंग्लैंड में होगा। इंग्लैंड में कहाँ, बर्मिंघम। तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में जो है नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम होगा और ये जो है कब, 2022 में होगा। तो जो कॉमनवेल्थ के गेम है हर 4 साल बाद होते हैं। तो ये तीन चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ कब हुआ था, अब कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है कि क्या पूछा गया है कि जो लेमेत्रे एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है, यानी कि इंडिया और कौन से दूसरा नेशन है जिसके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो ये जो लेमेत्रे एक्सरसाइज है आपका सेसल्स के बीच में होती है, इंडिया और सेसल्स के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और थोड़ा सा बाकी ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, बाकी ऑप्शन में जैसे म्यांमार की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिए क्या क्या है म्यांमार की कैपिटल। म्यांमार की जो कैपिटल है आपका नेपेद्या है, और यहाँ की जो करेंसी यूज होती है उसे क्यात कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन लाओस का देखिए, तो वेंटेनी जो है इसका कैपिटल है और कीप जो है ये इसका करेंसी है। इसी तरह इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जाकर्ता है, और यहाँ जो करेंसी यूज होती है उसको रुपया कहा जाता है। और यहाँ पे जो इंडोनेशिया है वहाँ पे एशियन का हेडक्वार्टर भी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पे सेसल्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो सेसल्स है उसकी जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है, और यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है उसे रुपया कहा जाता है। सेसल्स एक बहुत और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये है कि यहाँ का जो एक आइलैंड है जिसे एजम्पशन आइलैंड कहते हैं, वो वहाँ पे जो है इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना मिलिट्री एक्सरसाइज बना रखा है, जो सेसल्स उसे इंडिया को दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन भी आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछा गया है कि जो कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन कौन से नेशन के बीच में होती है। तो यहाँ पे एक नेशन दे रखा है थाईलैंड, और कौन सा दूसरा नेशन है जिसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इंडिया, इंडोनेशिया, USA, चाइना। तो ये जो कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये होती है आपका USA के, थाईलैंड और USA के बीच में। सो यहाँ पे USA यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे आप ध्यान रखेंगे। जैसा पहला सबसे इम्पोर्टेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है आपका बोस्तक एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये चाइना, रशिया और मंगोलिया के बीच में, ये तीन कंट्री हैं, इनके बीच में जो है बोस्तक एक्सरसाइज अभी हाल में ही कंडक्ट हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मंगोलिया है उसके साथ इंडिया का एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देन यहाँ पे ये
काकाडू सी एक्सरसाइज, ये जो है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ये नेवी द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। काकाडू कहाँ पे है, तो काकाडू एक आइलैंड है जो ऑस्ट्रेलिया में है। देन यहाँ पे लेमेते के साथ मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया और सेसल्स के बीच में जो है लेमेते एक्सरसाइज होता है। तो ये सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में चांसेस हैं कि बन सकते हैं इनसे क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री अभी रिसेंटली मिनी रॉकेट लॉन्च किया है सक्सेसफुली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसे इसरो कहते हैं, इसी तरह जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसे जाक्सा कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जापान ने ही हाल में ही अभी एक मिनी रॉकेट जो है लॉन्च किया है, जो सक्सेसफुली माइक्रो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जा चुका है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। देन यहाँ पे थोड़ा सा रशिया की कैपिटल और करेंसी जान लेते हैं, क्योंकि रशिया की कैपिटल और करेंसी ज़रूर पूछती है। तो रशिया की जो करेंसी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रबल जो है रशिया की करेंसी है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपका बात करें तो मॉस्को है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेंटली सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। इसमें ये पूछा गया है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन इन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग, पहले हम फर्स्ट जान लेते हैं कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन कौन सी है। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन जो है आपका विवेक एक्सप्रेस है, लेकिन यहाँ पे जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग एक्सप्रेस पूछ रखा है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस जो है अभी हाल के ही सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है विवेक एक्सप्रेस? तो विवेक एक्सप्रेस जो है आपका डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी तक चलती है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे? आसाम में। तो आसाम से लेके ये कन्याकुमारी तक चलती है, जो लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन हो जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। तो हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो देख लेते हैं। हिमसागर जो एक्सप्रेस है आपका कन्याकुमारी टू कटरा तक चलती है। कटरा कहाँ पे है? आपका जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये हिमसागर जो है आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। देन बात की जब फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रेन, तो इसको ध्यान रखेंगे, फर्स्ट लॉन्गेस्ट ट्रेन जरूर पूछेगा, विवेक एक्सप्रेस इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 10th ग्लोबल फोरम फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था। इसका जो 10th ग्लोबल फोरम फूड एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे हुआ था, सो ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है आपका जर्मनी में हुआ था। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। तो बर्लिन में जो है यहाँ पे आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ग्लोबल फोरम हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आयुष्मान भारत अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लॉन्च किया है, तो उसमें कौन कौन सी दो स्कीम हैं जो इंटीग्रेटेड हैं, मतलब उसके साथ आती हैं आयुष्मान भारत के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप सोचिए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, RSBY एंड SCHIES। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे RSBY कहते हैं, और दूसरा जो है आपका सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ये दो स्कीम जो हैं आपका आयुष्मान भारत के अंतर्गत में आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि आयुष्मान भारत जो है अभी वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा मेडिकल फैसिलिटी है जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जो है दो स्कीम आ रही हैं, तो जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कंप्लीट मेक ओवर विथ मिथिला पेंटिंग। तो ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है मिथिला पेंटिंग। ये कहाँ की पेंटिंग है? तो ये जो है बिहार की एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो जो मिथिला पेंटिंग है वो कहाँ की पेंटिंग है? ये बिहार की पेंटिंग है। तो अभी हाल में ही कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसमें आपका मिथिला पेंटिंग से पूरा मेकओवर हुआ है, तो उसका रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका रेलवे स्टेशन का नाम है मधुबनी रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मधुबनी रेलवे स्टेशन को जो है मिथिला पेंटिंग से मेकओवर किया गया है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है करंट अफेयर के वो पसंद आया होगा, और इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।
ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आने वाले चाहे जितने भी एग्ज़ाम हो सब में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे जितने भी चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो चाहे आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।